उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर त्योटसिद्ध में चैत्र मास मेलों में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा हुआ है। बाबा के दरबार में अब तक मेलों के दौरान 3,68,00,000 के करीब चढ़ावा श्रद्धालुओं ने चढ़ाया है। इसके अलावा 177 ग्राम सोना तथा 2,701 ग्राम चांदी भी चढ़ावे में चढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा भी चढ़ाई गई है। मंदिर अधिकारी ओपिक लखनपाल के अनुसार चैत्र मास मेलों के दौरान श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ावे में वृद्धि हुई है और इससे बाबा के खजाने में करोड़ों की बढ़ोतरी हुई है। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर द्योटसिद्ध में चैत्र मास मेलों में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा हुआ है। बाबा के दरबार में अब तक मेलों के दौरान 3,61,00,000 रुपए के करीब चढ़ावा श्रद्धालुओं ने चढ़ाया है। तो इसके अलावा 170 ग्राम सोना। मंदिर अधिकारी ओपी लखनपाल के अनुसार चैत्र मास मेलों के दौरान श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ावे में वृद्धि हुई है और इससे बाबा के खजाने में करोड़ों की बढ़ोतरी हुई है। ओपी लखनपाल ने बताया कि इस बार मेलों के दौरान 3,68,00,000 के करीब चढ़ावा हुआ है और अभी मेले 13 अप्रैल तक जारी हैं। उन्होंने बताया कि मेलों में हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के अलावा बाहरी देशों से भी 24 घंटे श्रद्धालु बाबा के दरबार में आकर माथा टेक रहे हैं। चैत्र मास के मेले जो हम वो 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक जो आधिकारिक तौर पर चलते हैं तथा इस बाबा की तपोस्थली में देश तथा विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं का स्वागत एवं अभिनंदन है तथा मंदिर न्यास की ओर से उनको हर प्रकार की सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। उनको ठहरने की व्यवस्था में भी सहायता मंदिर प्रशासन जो है वो न्यास जो है कर रहा है। उनको लंगर की सुविधाएं दी जा रही हैं तथा उनको जो कतारों में लोग आते हैं उनको कोई असुविधा न हो तो उनको पानी की व्यवस्था, बिजली की पंखों की व्यवस्था, रात को लाइट की व्यवस्था मंदिर न्यास की ओर से हर समय उपलब्ध करवाई जा रही है। मंदिर न्यास आए हुए श्रद्धालुओं का के स्वागत के लिए जो वो हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करने में तत्पर रहता है तथा पहले लंगर जो था हमारा वो 9 बजे से 11 बजे से 3 बजे तक और 8 बजे से 11 बजे तक रात को होता था, लेकिन आयुक्त महोदय एवं उपायुक्त महोदय द्वारा न्यासियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि श्रद्धालुओं को जो है मेलों के दौरान जो है वो लंगर जो है वो 9 बजे से 3 बजे तक तथा शाम को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक दिया जाएगा तथा जो श्रद्धालु 11 बजे लाइन में लगे होंगे उनको चाहे लंगर जो है वो लंगर के लिए चाहे उन्हें 2 घंटे लग जाएं लेकिन मंदिर न्यास वो उनको जो है वो लंगर जो कर्मचारी हैं वो उनको तब तक भोजन का इंतजाम करेंगे जब तक वो पूरे लोग जो खाना नहीं खा जाते हैं। इस वक्त तक जो मेले चले हुए हैं इस वक्त तक 3,67,76,448 रुपये जो है वो चढ़ावा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो गोल्ड है वो 177 ग्राम के लगभग हुआ है तथा चांदी जो है वो 2701 ग्राम 500 मिलीग्राम हुई है। तो चढ़ावा जो है वो विदेशी मुद्रा में भी हुआ है लेकिन विदेशी मुद्रा का आंकड़ा जो है मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन विदेशी मुद्रा भी जो है वो चढ़ावे में आई है। गौरतलब है कि बाबा बालकनाथ मंदिर द्योटसिद्ध में मान्यता है कि सच्चे मन से कुछ भी मांगने पर बाबा कृपा करते हैं और इसी के चलते साल भर बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो चैत्र मास मेलों में तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु बाबा के दरबार में नतमस्तक होते हैं।